कृष्ण प्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चातिष्ठाय। सो हम लोग मेरे साउंड क्लियर है ना माता जी और प्रभु जी जो भी है? हाँ, थोड़ा सा एको है। अच्छा थोड़ा सा, अच्छा ठीक है। सो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ निष्ठा से रुचि तक, दैट्स द टॉपिक, निष्ठा से रुचि तक। और ये टॉपिक मैंने चूज इसलिए किया है क्योंकि निष्ठा और रुचि में एक बहुत बड़ी खाई है और कभी कभी बहुत मुश्किल भी हो जाता है, खाई होते हुए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि निष्ठा पे है या रुचि पे है। इनफैक्ट सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि भक्ति में अपनी स्टेज पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ हैं, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा कहाँ हैं तो हम आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है पीछे ही चले जाए कि हमें पता ही नहीं हम कहाँ हैं। अपनी लोकेशन पता लगाना तो बहुत ज़रूरी है ना सही डायरेक्शन में जाने के लिए। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में, एस्पेशली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कदमनी में, अलग अलग स्टेजेस की चर्चा की है भक्ति की। सो जैसे कि रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि भक्ति में नौ स्टेजेस होती है, नौ ही होते हैं, प्रेम तक तो नौ स्टेजेस हैं। तो आई थिंक 1.4.1 भक्ति रसामृता सिंधु में रूपा गोस्वामी ने एक श्लोक कोट किया है। नहीं एक्चुअली 1.4 एग्जैक्टली मुझे नंबर नहीं याद रहा, मगर पूर्वी लहरी के पूर्वी विभाग के चौथे लहरी में रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, आदव श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया अथ भजन क्रिया अथ भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्यात् अथ निष्ठा रुचिस आसक्ति तथा भाव प्रेमा अभिव्यंजति साधकानाम अयम प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि भगवत प्रेम तक पहुंचने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। ऑल्दो ये चीज़ जनरली लोग एक्सेप्ट नहीं करते वृंदावन में, सहजे लोग तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे भक्ति में क्या स्टेजेस है, नहीं बस भगवान का भजन करो, गोविंदा बोलो, गोपाल बोलो, राधे राधे बोलो, बस हो गया, दैट्स ऑल, हरे कृष्णा बोलो, खुश रहो बस। तो स्टेज वेज क्या है, ये तो ज्ञानियों की बात है नहीं, भक्ति में कौन सी स्टेज में क्या है ये सब नहीं, मगर हमारे आचार्यों का ये मत नहीं है। षड गोस्वामियों ने और चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को बहुत साइंटिफिकली प्रेजेंट किया है। मतलब एक भक्ति को एक स्टेजेस में रखना अपने में बहुत बड़ी बात है कि भक्ति मतलब भगवान से प्रेम और भावनाएँ और उसको एक स्टेप्स में रख देना, ये बहुत एक अजीब सी बात है। ये मतलब किसी भी लॉजिकल चीज़ को स्टेप्स में रखना वो बात अलग होती है, भक्ति को प्रेम को भावनाओं को अपने स्टेप्स में रख दिया ये बिल्कुल अलग चीज़ है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट डिवोटी होना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा किया। स्वयं कृष्ण भगवान ने हमें भक्ति के प्रादुर्भावे भवेत कमह साधकाना मैं प्रमना प्रेम न प्रादुर्भावे भवेत क्रम क्रम दिया है भक्ति का। और इनफैक्ट ये जो क्रम है एग्जैक्टली सेम क्रम क्रिश्चियनिटी में भी मिलता है। जो आजकल मैं जो बुक पढ़ रहा था सेंट टेरेसा पेवेला की इंटीरियर कैसल, एग्जैक्टली सेम क्रम मिलता है क्रिश्चियनिटी में। एक बहुत बड़े फिलोसोफर ये सेंट टेरेसा पेवेला,
उन्होंने भी बुक लिखी है इंटीरियर कैसल। एक और बहुत बड़े थियोलॉजियन प्लस सेंट हुआ है क्रिश्चियनिटी में, थॉमस ऑगस्टीन, उन्होंने बुक लिखी है कॉन्फेशंस, उसमें भी उन्होंने भक्ति के स्टेप्स लिखे हैं। इस्लामिक स्कॉलर्स, सूफी स्कॉलर्स, उन्होंने भी भक्ति के स्टेप्स लिखे हों। तो ऐसा नहीं है कि गौड़िया वैष्णवज्म में ही एक यूनिक चीज़ है कि हम भक्ति के स्टेप्स दे रहे हैं, क्रम दे रहे हैं। सारे रिलीजन्स में एक कुछ सिस्टम है, कहने का मतलब है कुछ सिस्टम है। इनफैक्ट सारी वैष्णव संप्रदायों में सिस्टम है। रामानुजाचार्य जी ने, मध्वाचार्य जी ने भी स्टेप्स दिए। मध्वाचार्य जी ने एक बहुत फेमस श्लोक है, मेरे दिमाग से निकल रहा है, बट मध्वाचार्य जी कह रहे हैं पहले ज्ञान होता है, फिर भक्ति होती है, फिर ज्ञान होता है, फिर वैराग्य होता है, फिर भक्ति होती है। इस तरह से उन्होंने भी स्टेप्स दिए हैं, बहुत फेमस वर्स है। तो ऐसा कोई भी आचार्य, कोई भी वैष्णव संप्रदाय नहीं हो जिसने भक्ति का क्रम नहीं दिया, ये कहने का मतलब है। बट हमारी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय ने जिस तरह से भक्ति का क्रम दिया है प्रेम तक पहुंचने के लिए, वो भूतो न भविष्यति, ये कह सकते हो। बहुत प्रिसाइस, प्रिसाइस कैसे कहेंगे, संक्षिप्त में, बहुत सटीक, एग्जैक्टली डिफाइंड है। आप कौन सी स्टेज में हो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा, मगर जब पता लग जाएगा आप कौन सी स्टेज में, तो मानोगे नहीं मगर आप उस स्टेज पे, वो बात अलग है। अगर आपको पता लग गया मैं भाव की स्टेज में हूँ, आपको पता तो लग गया, मगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मैं भाव की स्टेज पे हूँ, क्योंकि आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं भाव की स्टेज पे पहुँचा कैसे हूँ, जैसे घटिया आदमी। तो भगवान की कृपा अनुभव कर सकोगे जैसे जैसे आगे की स्टेजेस में जाओगे, उसी वो मैं पॉइंट पे अटैच करूंगा अभी। बट तो भक्ति की पहली स्टेज क्या है, पहली स्टेज है आदव, मतलब साधु संघ, मगर वो स्टेजेस में काउंट नहीं होता, क्योंकि साधु संघ ऐसा साधु संघ जो कि आपने आपने कैसे लिया है, तो आपने अनजाने में ले लिया, उसको कहते हैं आदव। यहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है। साधु का संग करते हैं हम, हमें पता नहीं होता, ऐसे ही सुन लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो फिर बस तो उनके हृदय में से हमारे हृदय में श्रद्धा आ जाती है। श्रद्धा पहला स्टेप है भक्ति का। जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं अपने भक्ति संदर्भ में कि श्रद्धा भक्ति का डोर है, दरवाज़ा है, एंट्रेंस है श्रद्धा। जैसे कमरे का डोर होता है, वो श्रद्धा है। आप श्रद्धा से ही कमरे में घुसोगे, रूम्स, एक रूम, फिर दूसरा रूम, फिर तीसरा रूम, एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, पूरी बिल्डिंग का भी तो गेट होता है, एक मेन गेट, वो श्रद्धा है। और श्रद्धा जब आ जाती है डिवोटीज के साथ एसोसिएट करके, आदो श्रद्धा तथा साधु संघ, फिर हम और साधु संघ लेते हैं जानने के लिए। अब श्रद्धा आ गई कि कृष्णा भगवान है, हमें जानना है कि क्या कैसे हैं, कौन है, क्या है, तो साधु संघ लेते हैं दूसरा स्टेज। तीसरा फिर भजन क्रिया, साधु हमें बताते हैं देखो ऐसे भक्ति करो, ये रूल्स फॉलो करो, ये चैंटिंग करो, ब्ला 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 ब्ला, ये नाम सेवा है, ये अर्च विग्रह सेवा है, धाम सेवा है, इसके रूल्स हैं। तो ये आपकी क्या कहते हैं, तीसरा स्टेज भजन क्रिया। फिर जब भजन करते हैं, जब फॉलो करते हैं अच्छी तरह रूल्स, तो अनर्थ निवृत्ति, फिर अनर्थ कटने लगते हैं। और जब नष्ट अपरायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवत नैष्ठिकी, फिर निष्ठा के लेवल पे आ जाते हैं। तो जितने भी स्टेजेस थे ना, ये रूपा गोस्वामी ने अपने दिमाग से नहीं बनाए, भागवतम के हैं। कौन सा श्लोक है भागवत का, बट एनी वे, तो फर्स्ट कैंटो का ही है, फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर ही है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोक है भक्तिर्भवत नैष्ठिकी। जब अनर्थ कटने लगते हैं, तो जब काफी प्रायेषु नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जब प्राय प्राय अनर्थ खत्म हो जाता है, प्राय प्राय मतलब ऑलमोस्ट, प्रभुपाद कह रहे हैं जब ऑलमोस्ट बहुत सारे जो मेजर अनर्थ है, मेजर जो बहुत बड़े बड़े पत्थर,
भाई आप गाड़ी में जा रहे हो, रोड है, रोड में इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, तो गाड़ी चलेगी? कंकड़ भी बरसा रहे, आपने बड़े बड़े पत्थर उठा दिए तो चल सकती है ना। हाँ कंकड़ है, कंकड़ पे चल जाएगी, रोड ही पे चल जाएगी, उसमें क्या है। तो वही बात है, तो जब अनर्थ, बड़े बड़े अनर्थ हट जाते हैं तो गाड़ी चलने लगती है। फिर चलाते रहो, धीरे धीरे चलाते रहो, कोई नहीं। वो स्टेज है निष्ठा की, निष्ठा की। उससे पहले गाड़ी कभी इतने बड़ा पत्थर है, कभी इधर ले जा रहे हो, कभी इधर ले जा रहे हो, चल ही नहीं रही, बहुत मुश्किल से इधर उधर इधर उधर इधर उधर निकाल के इधर इधर गिर गई, वहाँ वहाँ ऐसे ऐसे करके चलते जा रहे हो, ऑलमोस्ट नहीं चलने के बराबर है। धीरे 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 तो निष्ठा की स्टेज पे क्या होता है, नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु। आज तो आज का टॉपिक आ गया निष्ठा। निष्ठा की स्टेज पे ऑलमोस्ट अनर्थ खत्म हो जाते हैं। अब ये ऑलमोस्ट अनर्थ खत्म होने का मतलब ये है कि सारे अनर्थ खत्म हो गए। ऑलमोस्ट अनर्थ खत्म होने का मतलब है कि बड़े बड़े मेजर ब्लॉक्स हट गए, या दूसरे में कहने का मतलब है कि बड़ी बड़ी गंदी हैबिट्स हट गए। तो एक पॉइंट निष्ठा के लेवल पे सबसे पहला पॉइंट ये है, नष्ट प्रायशो रेशु, नित्यम भागवत सेवया। दूसरा पॉइंट है निष्ठा के लेवल पर कि आपका भजन क्या कहते हैं, कंटिन्यूस हो जाएगा, नित्य हो जाएगा। मतलब आपकी गाड़ी चलती रहेगी रोड़ी पे, धीरे चलेगी मगर चलती रहेगी, नित्य चलती रहेगी, ये बात है। आप रोज़ भजन कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि कभी छूट रहा है कभी चल रहा है, एक एक रूटीन हो जाएगा भजन। कोई माइंड कभी डिस्टर्ब हो गया, माला छूट गई, ये हो गई, वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, डेली करना है, जैसे हम डेली रूटीन करते हैं ऐसे डेली भजन करना है नहीं, एक रूटीन में आ जाएगा, कहने का मतलब है निष्ठा लेवल पे। रूटीन स्पॉन्टेनियस नहीं, मगर रूटीन स्पॉन्टेनियस नहीं है, अभी स्वाभाविक नहीं है, मगर एक रूटीन में आ गया। और ऐसा होता भी है नहीं, हम जब डिवोटीज को थोड़े साल हो जाते हैं तो रोजमाला तो करनी है, मंगल आरती तो करनी है, भोग तो लगाना ही है, तो एक रूटीन में आ जाते हैं ना। तो ये निष्ठा के लेवल पे दूसरा पॉइंट है। भगवती उत्तम श्लोके, और भगवान की प्रशंसा करने का स्वभाव बन जाएगा, मतलब भगवती उत्तम श्लोके मतलब भगवान की प्रशंसा करने का मन होगा। भगवान की प्रशंसा मतलब ये विश्वास आ जाएगा कि भगवान की प्रशंसा और भगवान की सेवा, भगवती उत्तम श्लोके कि भगवान की सेवा करना ही जीवन का लक्ष्य है और यही जीवन है बस, ये विश्वास हो जाएगा, ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा। तो अगर ये तीनों चीजें हो गई तो क्या हो गया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवत नैष्ठिकी, तब निष्ठा कह सकते हो, अब निष्ठा लेवल पे हो, तब आप सोच सकते हो अब निष्ठा लेवल पे हो। अगर इन तीनों चीजों में से एक भी चीज मिसिंग है तो आप निष्ठा लेवल पे नहीं हो, तो आप नीचे हो अभी। सो क्या क्या था, नष्ट प्रायशो, बड़े बड़े अनर्थ, बड़े बड़े अनर्थ खत्म होता, बड़े बड़े हैबिट्स, गंदी हैबिट चली गई बड़ी बड़ी। और दूसरा स्वाभाविक नहीं, रूटीन में आ जाएगा, रूटीन में आपके भक्ति, आप रूटीन में रोज डेली भक्ति कर रहे हो आराम से। और तीसरा भगवती उत्तम श्लोक है, भगवान की प्रशंसा और भगवान की सेवा करने में मन लगने लगेगा, इनफैक्ट आप सोचोगे यही जीवन है और क्या करना है। तो वो निष्ठा की स्टेज है, बहुत बहुत बड़ी स्टेज है, नहीं बहुत डिमांडिंग स्टेज है। सो ये निष्ठा होती है। इस लेवल तक काफ़ी डिवोटीज पहुंच जाते हैं यहाँ तक लोग, भक्ति करने से, साधु संग करने से। अगर सिंसियर है कोई व्यक्ति, साधु संग कर रहा है कई सालों से, तो निष्ठा स्टेज पे पहुंच जाते हैं, भगवान यहाँ तक तो पहुँचा ही देते हैं। मगर निष्ठा के बाद आगे बढ़ना वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो निष्ठा तो आगे हम, मगर निष्ठा के नेक्स्ट लेवल है रुचि।
और रुचि पे आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो रुचि क्या है, इसके नेक्स्ट श्लोक क्या है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग। एनीवे जो भी भागवतम में मैं भूल गया, एनीवे मैं लॉजिकली बता सकता हूँ। सो दिखाना जरा, बताना, देखना जरा इसके नेक्स्ट क्या है, नष्ट प्रायशो बद्रेशु का श्लोक। सो निष्ठा के बाद रुचि लेवल पे आ गए। अब रुचि की स्टेज में क्या होता है, रुचि की स्टेज में कुछ लक्षण है। बहुत ज़्यादा डिवोटी जिस स्टेज पे पहुँच नहीं पाते। अब आप सोचोगे वेल पहुँचना क्या, हम तो पहले ही वहाँ पर है, हमें तो इंटरेस्ट आता ही है भक्ति में, हमें तो कथा सुनने में इंटरेस्ट आता है, हमें तो नाम लेने में इंटरेस्ट आता है, मगर वो रुचि नहीं है। वो इंटरेस्ट तो आपको पहली स्टेजेस में भी आ सकता है, भक्तों के आशीर्वाद से, अच्छे डिवोटीज के संग से नहीं, मगर रुचि स्टेज में इंटरेस्ट, रुचि मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आएगा भक्ति में। इस प्रकार का इंटरेस्ट होगा कि बिना साधु संघ के भी इंटरेस्ट बना रहेगा, वो रुचि स्टेज है। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हमें रुचि, हमें इंटरेस्ट आ रहा है भक्ति में तो हम रुचि स्टेज में नहीं। अब साधु संघ छोड़ के देखो और फिर भी इंटरेस्ट बना हुआ है तो इसका मतलब रुचि स्टेज पे हो। मगर साधु संघ अब क्यों छोड़ना है, छोड़ के कौन देखेगा, नहीं। मगर रुचि की स्टेज पे इंटरेस्ट चाहे साधु संघ में हो चाहे साधु संघ में नहीं हो, बना ही रहता है हमेशा के लिए। बोलो। सो साधु संघ की स्टेज में, रुचि की स्टेज में साधु संघ हो या ना हो फिर भी इंटरेस्ट बना रहेगा। बहुत हाई स्टेज है ये, छोटी स्टेज नहीं है रुचि की। तो हमें ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हमें, हम रुचि की स्टेज पे आ गए, वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि रुचि की स्टेज में भगवान गिफ्ट देते हैं, एक अपने नाम में, अपने रूप में, अपने गुण में, अपनी लीला में, अपनी भागवत में इंटरेस्ट देते हैं हमें। खुद से तो इंटरेस्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कोई साधारण सब्जेक्ट तो है नहीं, कोई मंडेन सब्जेक्ट तो है नहीं कि आप खुद से अपने इंटरेस्ट प्रोड्यूस कर लो, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक आपका इंटरेस्ट नहीं आ सकता। तो रुचि की स्टेज पे क्या होता है, आपका स्वाभाविक इंटरेस्ट हो जाता है। रुचि की स्टेज से पहले आपका स्वाभाविक इंटरेस्ट नहीं होता, वो संघ के प्रभाव में इंटरेस्ट बनता है। वो क्या कहते हैं, कहते हैं संग गया तो रंग गया। बस ये बात है, जैसा संग वैसा रंग, संग जैसी जाएगा रंग वैसी उड़ जाएगा। वो बस है। तो वो एक पीयर प्रेशर में चलता है इंटरेस्ट, ये बहुत जरूरी है। क्या आप मिला नहीं श्लोक? क्या हो गया, सिंपल सा श्लोक है, नेट क्या करना है इसमें। इट्स अ सिंपल वर्ड्स। पता नहीं मेरा वो होता तो मैं देख लेता। एनीवे सो एक सेकंड, लेट मी हैव अ लुक, मैं देखता हूँ अपने इसका सिंपल श्लोक नहीं मिल रहा। लेट मी जस्ट हैव अ लुक। नित्यम भागवत सेवया, ओके, श्रीमद् भागवतम है ही नहीं आतो, डैम। मिल गया, देखा। सो इसकी कहाँ है नित्यम भागवत सेवया, हाँ 18 में निष्ठा बताइए, फिर उसके बाद रुचि आ गया। 1, 2, 18 जो मैं श्लोक कोट कर रहा था, नष्ट प्रायशो बद्रेशु नित्यं भागवत सेवया, भगवद उत्तम श्लोक है भक्तिर्भवतनिष्ठ की, ये 1.2.18 श्लोक है, आप लोग नोट कर लो।
अब उसके बाद जो श्लोक है वो रुचि का श्लोक है, 1.19 एंड 1.19 रुचि का श्लोक है, 1.2.19 भागवत। तो रुचि की स्टेज पे सबसे पहले मैंने बताया कि स्वाभाविक इंटरेस्ट आ जाएगा, जो साधु संघ पे डिपेंडेंट नहीं होगा। साधु संघ में आने से इंटरेस्ट बढ़ेगा, साधु संघ में आने से इंटरेस्ट पोषित होगा, नरिश होगा, मगर साधु संघ पे डिपेंड नहीं करेगा इंटरेस्ट। अब वो आपकी आत्मा में अपने आप क्या हो गया, अब वो आपकी आत्मा में अपने आप से ही ये इंटरेस्ट प्रकट हो गया है। निष्ठा या निष्ठा की स्टेज से पहले जो इंटरेस्ट है वो आपने रेंट पे लिया हुआ है वैष्णवों से, रुचि की स्टेज पे आपका इंटरेस्ट अपना हो गया, अपना घर हो गया। सो अब रुचि की स्टेज पे 1.2.19 ये श्लोक है, दिखा रहे हैं क्या, ये श्लोक है रुचि का। तदा रजस्तमो भावा कामा लोभादयश्चये चेता इतेरनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। वेरी हाई स्टेज रुचि की। एक तो मैंने बताई दिया लक्षण। दूसरा लक्षण है रुचि की स्टेज पे, तदा रजस्तमो भावा कामा लोभादयश्चये। रुचि की स्टेज पे क्या हुआ, चेता एतेर अनाविद्धम, दैट्स दूसरा लक्षण है। चेता एतेर अनाविद्धम, आपका चित रजोगुण तमोगुण काम लोभ से प्रभावित नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में काम वासना नहीं है या लोभ नहीं है। काम वासना लोभ तो जीरो होना तो बहुत टाइम लगता है, मगर प्रभावित नहीं होगा। या इसका मतलब ये भी हो सकता है, दूसरों के काम वासना से, दूसरों के लोभ से, सराउंडिंग रजोगुण तमोगुण एटमॉस्फेयर से आप प्रभावित नहीं हो रहे। यह इसका मतलब ये भी है, रुचि की स्टेज पे आप डिस्टर्ब नहीं होंगे किसी भी स्थिति में। ये एक बहुत बड़ा गुण आ जाएगा आप में, चेता इतेर अनाविद्धम विदाउट बीइंग अफेक्टेड। ये स्टेज है जिससे हमें पता लगता है हम रुचि की स्टेज पे आने। अगर भगवान में स्वाभाविक इंटरेस्ट आ गया तो फिर इस संसार में तो इंटरेस्ट खत्म ही हो गया ना, स्वाभाविक इंटरेस्ट तो ऐसे आ नहीं सकता। तो अगर आपका भगवान में इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं भगवान में, भगवान के नाम लेने में इंटरेस्ट आ रहा है, सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है सब में, और संसार में भी इंटरेस्ट बना हुआ है, इसका मतलब आप रुचि की स्टेज पे नहीं। तो फिर आप सोचोगे ये जो इंटरेस्ट है ये क्या है, फिर ये कहाँ से आ रहा है। ये वैष्णव की ब्लेसिंग से, साधु संघ से आ रहा है। ये एक उनकी ब्लेसिंग से, जो उनमें रुचि है उसकी छाया पड़ रही है आप में, ये बात है। आप उस स्टेज पे होनी। तो रुचि की स्टेज पे क्या होता है कि दूसरा लक्षण है कि आप किसी भी कंडीशन में डिस्टर्ब नहीं होंगे। भगवान में स्वाभाविक इंटरेस्ट आ जाएगा, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है संसार से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, ऐसे कर लो। और तीसरा लक्षण है कि क्या है, क्या हो गया, हाँ डिस्टर्ब नहीं हो गए सराउंडिंग्स में, आसपास चलती रहेंगी चीज़ें मगर आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा लक्षण है, इससे टेस्ट होता है कि आप रुचि की स्टेज पे हो नहीं हो। अगर आप देख रहे हो आप छोटी छोटी चीज़ में डिस्टर्ब हो रहे हो, फैमिली प्रॉब्लम से डिस्टर्ब हो गए, डिवोटी से डिस्टर्ब हो गए, उसने कर दिया उसने वो कर दिया, तो इसका मतलब है अभी आप रुचि स्टेज पे नहीं, आप निष्ठा स्टेज पे। तभी तो मैं कह रहा था निष्ठा स्टेज और रुचि स्टेज में बहुत बड़ी खाई है। 1.2.18 से 1.2.19 जाने में हो सकता है पूरा जीवन भी लग जाए। पहुँचोगे ही नहीं आप, 18 से 19 पहुँचोगे ही नहीं, और 1920 तो बहुत दूर की पहुँचोगे नहीं आप। आप पढ़ तो सकते हो 1.2.18 और 1.2.19, मगर पहुँचोगे नहीं आप 18 से 19 तक। बहुत बड़ी बात है नहीं, किसी भी चीज़ में आप बीमार हो जाओ तब भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे,
आगे लाइफ में प्रॉब्लम्स आके डिस्टर्ब नहीं हो रहे, बहुत बड़ी चीज है। तदा रजस्तमो भावा कामालो भादयस चाहिए। ये जो भावनाएं हैं काम क्रोध लोभ की, जो भावनाएं हैं जो हमारे अंदर उठती हैं, उससे आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहे। चीज़ें हैं, चलती रहेंगी। मैं अपने मन बुद्धि से अलग हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, भगवान का दास हूँ या दासी हूँ, मुझे उनकी सेवा करनी है। इस ये संसार क्या है वो, ये संसार एक स्टेज है, हम कठपुतलियाँ हैं जहाँ पे ड्रामा चल रहा है। यही था ना डायलॉग, यही कैसे एग्जैक्ट। हाँ, हम लोग रंग रंग की कठपुतलियाँ हैं, वही था ना डायलॉग। सो इसको कहते हैं कि आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे। सो ये तीन लक्षण है रुचि स्टेज के, हम डिस्कस कर रहे हैं निष्ठा और रुचि, निष्ठा स्टेज और रुचि स्टेज। निष्ठा स्टेज हो गई, रुचि स्टेज बता रहा था कैसे पता लगेगा हम रुचि स्टेज में। रुचि स्टेज पे हमें तीन लक्षणों से पता लगेगा क्या क्या है। पहला क्या है, भगवान में स्वाभाविक इंटरेस्ट आ जाएगा। स्वाभाविक इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। स्वाभाविक इंटरेस्ट मतलब जो साधु संघ पे आधारित नहीं है, साधु संघ से नरिश हो सकता है मगर आधारित नहीं है, बिना साधु संघ के भी इंटरेस्ट बना रहेगा। दूसरा, संसार में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, खत्म तो नहीं ऑलमोस्ट काफ़ी कम हो जाएगा। और तीसरा, चेतन तेरा नाविधम, आप डिस्टर्ब नहीं होगे भी किसी भी कंडीशन में। सो इसका मतलब रुचि स्टेज पे है। सितम सत्वे प्रसीदति, आप सतोगुण में आ जाओगे, शुद्ध सत में स्थित हो जाओगे। रुचि स्टेज में आप सतोगुण में स्थित हो गए। सतोगुण का एक लक्षण क्या है, कौन बताएगा गीता में? सतोगुण रजोगुण तमोगुण है ना, हमें कैसे पता लगेगा हम सतोगुण पे आ गए? गीता में क्या है, कौन सा श्लोक है सतोगुण का? प्रकाशम प्रकाशम, क्या है पूरा श्लोक क्या है? एनीवे, सतोगुण का लक्षण यह है कि सतोगुण में व्यक्ति बैलेंस्ड होता है। रजोगुण तमोगुण में बैलेंस नहीं होता, तमोगुण में बहुत कम हो जाती है चीजें, रजोगुण में बहुत ज्यादा हो जाती, यही है ना। तमोगुण में कुछ नहीं करेगा, पड़ा रहेगा, काम कर ले कुछ नहीं हो रहा। रजोगुण में भागता रहेगा, कम काम कर ले भाई, रुक नहीं सकता मैं। तो तमोगुण में या तो बिल्कुल नेगेटिव एक्सेस है, रजोगुण में पॉजिटिव एक्सेस है। सत्वगुण बीच का होता है, बैलेंस बैलेंस। सत्वगुण में व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है, यही लक्षण है सत्वगुण का। सब चीज़ बैलेंस चलती है ना, बैलेंस चलेगी तो डिस्टर्ब कैसे हो गया? यानी आप समुद्र में बोट है आपके पास, बोट बिल्कुल बैलेंस्ड वे में चल रही है, सब कुछ सही अच्छे से चल रही है, तूफान आए कुछ भी आए वो अपना चलती रहेगी, है ना, हिलेगी विलेगी मगर चलती रहेगी। अगर बोट का मैकेनिज्म खराब हुआ, स्टेयरिंग खराब हुई, नीचे कुछ खराब हुआ, तब तूफान आएगा, घट से उल्टा पुल्टा हो जाएगा, नहीं। सो ये सतोगुण है। सितम सत्वे प्रसीदति, ये चौथा लक्षण है रुचि का। प्रसीदति प्रसीदति मतलब, प्रसीदति मतलब मतलब हैप्पी रहेगा। रुचि की स्टेज पे वो हमेशा खुश रहेगा। यहाँ पे खुशी का मतलब है संतुष्ट, संतुष्ट रहेगा आपने। तो ये चार लक्षण हो गए रुचि स्टेज के, चार लक्षण। पहला लक्षण क्या था, तथा रजस्तमो भावा कामा लोभा तस चाहिए। क्या था पहला लक्षण, भगवान में स्वाभाविक रुचि आ गई, वो तो चलो मैंने बता दिया था एक अलग से। दूसरा लक्षण है संसार से रुचि हट जाएगी, रजस्तमो भावा खत्म हो गया भाव, मन से रुचि हट गई। तीसरा है डिस्टर्ब नहीं हो रहे, चेतर एतिर अनाविधम, एफेक्ट नहीं होंगे, विदाउट बिंग एफेक्टेड, अनाविधम प्रभुपाद लिख रहे हैं, इफेक्ट नहीं होंगे। और
वैसे लिख दो। चौथा क्या है? प्रसीदति, सितम सत्व प्रसीदति। प्रसीदति मतलब हैप्पी रहो। बस हो गया, खत्म हो गया। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। सो ये रुचि की स्टेज है। यू बिकम कंप्लीटली, प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रसीदति की, दस बिकम फुली सेटिस्फाइड। ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं ही बिकम्स कंप्लीटली हैप्पी, बट वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं ही बिकम्स फुली सेटिस्फाइड। तभी मैंने कहा था प्रसीदति का मतलब हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस तो कोई भी हैप्पी हो सकता है, संतुष्टि ये बहुत जरूरी है। संतुष्टि आ जाएगी। निष्ठा की स्टेज में आपको निष्ठा है कि बस यही लाइफ है। रुचि की स्टेज में एक संतुष्टि आ जाएगी अंदर से। निष्ठा तो है ही रुचि की स्टेज में, मगर आप संतुष्ट हो गए, ठीक है मुझे कुछ नहीं चाहिए, दैट्स इट। कुछ नहीं मिला तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, मिल गया तो ठीक। नाउ दैट्स, ये रुचि की स्टेज है। तो ये जो स्टेज है यहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। तभी मैंने कहा था निष्ठा से रुचि कोई बिरले ही पहुँचते हैं, क्योंकि हम देखते हैं आप अपनी लाइफ में देखो, छोटी छोटी बातों पर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके बाद स्वाभाविक इंटरेस्ट तो है नहीं, जहाँ साधु संग छूटा वहाँ रंग छूट गया, भक्ति ऊपर नीचे हो जाती है। इसलिए मैंने लिखा था निष्ठा से रुचि तक। अब क्वेश्चन है निष्ठा से रुचि तक पहुँचे कैसे? निष्ठा तक तो साधु संग के प्रभाव से लोग पहुँच जाते हैं, नहीं प्रैक्टिस करते करते, मगर निष्ठा से रुचि तक जंप मारना वो बहुत मुश्किल है। तो निष्ठा से रुचि तक पहुँचे कैसे, क्या करें, क्या करें वहाँ तक पहुँचने के लिए? और तो रास्ता तो उसके आगे भी है, वो तो चलो बात अलग है, मगर निष्ठा से रुचि कैसे पहुँचे? तो अगर आप एक आंसर चाहते हो कैसे पहुँचे, तो क्या है, क्या है एक आंसर, क्या है? अगर मान लीजिए आप कहो एक चीज़ बता दो मुझे कैसे पहुँचेंगे निष्ठा से रुचि तक। सो एक आंसर तो नहीं है। एक आंसर है वैसे, चंटिंग, साधु संग और कृपा, और सभी आंसर ठीक लग रहे हैं, नहीं क्योंकि सभी हम करते रहते हैं। एक्चुअली दो चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको तो निष्ठा से रुचि तक पहुंच जाओगे, दो चीज़ें, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। एक चीज़ करनी है आपको कि अपना भोग छोड़ना है, अपनी बैड हैबिट्स देखो ध्यान से, कहीं ब्लॉक तो है ना, तभी तो रुचि तक नहीं पहुंच रहे, तभी तो भगवान ये गिफ्ट नहीं दे रहे। तो अपने जो सूक्ष्म अनर्थ हैं और उसको हटाने की कोशिश करो, उसको पहले तो आइडेंटिफाई करो कि मेरे में प्रॉब्लम क्या है और उसको हटाओ। ये इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, ये आपका नेगेटिव काम है नहीं, हटाने का। समझ गया ना? सो क्या है वो विषय छाड़िया से रसे माझिया मुखे बोलो हरी हरी, उसी में। तो भोग छोड़ने की कोशिश करो। लोग इस पे ध्यान नहीं करते, लोग सोचते हैं हम क्या करें निष्ठा से रुचि जाने में, मगर मैं बोल रहा हूँ आप ये सोचो क्या नहीं करें, वरना पहुँच नहीं पाओगे। मैं भी तो बता रहा था, लोग सोच रहे थे हम क्या करें, चैंटिंग करेंगे, ये रीडिंग करेंगे, साधु संग लेंगे, कृपा लेंगे। भाई ये सोचो क्या नहीं करना, वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्किल में आगे बढ़ने के लिए जो व्यक्ति सोचते क्या नहीं करना, उसकी स्किल स्ट्रांग होती रहती है, वो एक्सपर्ट बनता रहता है ना। अब नहीं 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 चीज़ें कर करके करने में ही बड़े रहोगे तो फिर ब्लॉक कभी नहीं हटेंगे। ऐसे वो नहीं, भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर का एग्जांपल नहीं है, वो एक व्यक्ति बोटमैन था, तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा भैया नाव पार करा दे लेबर, उसने कहा बैठ जाओ, शाम हो रही थी, तो उसने कहा ठीक है चलते हैं। तो चला रहे, सब सो गए, वो चला रहा है, सुबह देखा तो वहीं पड़े हुए, उन्होंने कहा भैया क्या हो गया वहीं पड़े हुए,
कि क्या है, वो तो कह रहे हैं मैं पूरी रात चला रहा था, मैं तो थक गया देख, मैं तो सोया भी नहीं, तो क्या चक्कर क्या चक्कर है। पता लगा बोट बंधी हुई थी खूंटे से, खुली नहीं हुई थी, वो ऐसे ऐसे घूम रही थी चारों तरफ, तो ऐसा लग रहा था चल रही है बट एक्चुअली वही है, बंदी पड़ी है ना। तो ऐसे ही होता है, ऐसा ना हो जाए कि आपको लग रहा है आप चल रहे हो मगर वो भाई आप क्योंकि खूंटे में अटका हुआ है। फीलिंग तो आएगी चल रही है, घूम तो रही है मगर आप हो वही। तो इसलिए आपको पहले देखना है क्या नहीं करना, आपको आपको बोट को बंधे नहीं छोड़ना, खोलना पड़ेगा। सो अपने अनर्थों पे काम करो। अब सबसे पहला स्टेप है अपना अनर्थ आइडेंटिफाई करो, वही पता नहीं लगेंगे आप में क्या प्रॉब्लम है। अब यार शरीर में प्रॉब्लम हो जाती है किसके पास जाते हैं, बीमारी होती है किसके पास जाते हैं, क्यों आपके शरीर में हो रहा है पता लगा लो, आपके अंदर ही तो हो रहा है, डॉक्टर क्या बताएगा, डॉक्टर भी कहेगा यार तेरे अंदर हो रहा है पूरी पता लगा ले, मैं तो तेरे अंदर नहीं बैठा। मैं कहा फिर भी पता, जैसे शरीर की बीमारी नहीं पता लग सकती ऐसे मन की बीमारी नहीं पता लगेगी आपको खुद से, उसके लिए भी किसके पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास, साधु के पास, आप अपने आप पता ही नहीं लगा सकते। दैट्स ऑल फिनिश। एक डॉक्टर को भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है पता है, जब डॉक्टर बीमार होते हैं ना दूसरे डॉक्टर के पास जाना होता है, उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा होता, ये फ्रेंकली बता रहा हूँ कि मैं खुद डॉक्टर हूँ मुझे पता है ना, खुद घबरा जाते हैं ना, समझ नहीं आता क्या हो रहा है, दूसरे से पूछना पड़ता है। सो इसलिए आइडेंटिफाई करो क्या प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई नहीं हो रही तो सीनियर से पूछो, पूछो कुछ करो, और पूछने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। जो डिवोटीज आपकी निंदा करेंगे वही बता देंगे आपने क्या प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। जो भक्त आपसे उल्टा फुल्टा बोल रहे हैं ये ऐसा ये ऐसा, उस पर ध्यान दो, ये मत सोचो अरे यार वो मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं मैं उससे बात नहीं करूंगा, शक्ल नहीं देखूंगा, वो मंदिर आ रही है तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, यही यही चलता रहता है ना, ये सब मैडनेस है ये। या दूसरी फिलॉसफी वो है, दूसरी फिलॉसफी लोग निंदा करते रहे हम तो अपना चलते रहेंगे। क्या है, दोनों ही बेकार है। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उस पर ध्यान दो, कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है तो ध्यान दो, इसका मतलब वो आपको भगवान उसको प्रेरित कर रहे हैं आपको बताने के लिए तेरे में प्रॉब्लम है और आप सुन ही नहीं रहे। तभी तो वो क्या श्लोक है मैं बार बोलता हूँ, क्या आपका निंदक नहीं रह राखी है, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी के निर्मल कियो छवाए, हाँ बिन साबुन पानी के निर्मल कियो छवाए, कौन बाहर कौन है। सो ये जल्दी आओ अंदर। सो ये बोला है, ये श्लोक है, निंदक को अपने पास रखो, निंदक को, क्योंकि वो ही आपको बताएगा आप में क्या प्रॉब्लम है, आपके दोस्त थोड़े ना बताएंगे, दोस्त तो फ्लैटरी करेंगे। अगर आप बोलोगे यार भक्त ऐसा बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा, आप अपने अपनी हानि कर ली। सो सबसे पहला स्टेप है निष्ठा से रुचि तक जाना है तो फिर आप अपने अनर्थ आइडेंटिफाई करो, वो आइडेंटिफाई करने के लिए या तो पूछ लो, कोई बताने वाला नहीं है तो जहाँ हो वहीं रहो, डिवोटीज ही बता देंगे आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई ना कोई तो बता ही देगा, किसी ना किसी तो तय होगी तो होगी और क्या होगा, बोलेगा वो उस पर ध्यान दो या बोलेगी ध्यान दो उस पर, सबसे पहला काम। और जब अनर्थ आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको हटाने की कोशिश करो, ये पहला काम। और दूसरा काम रुचि लाने के लिए करना है कि भगवान के पास टाइम्स, भगवान की लीलाएं, उनके गुण और उनके उनके रूप, उसके बारे में चर्चा करो। जैसे भक्ति रसम सिंधु के 19वें अध्याय के बाद भगवान कृष्ण के गुण हैं, वो सब चर्चा करो। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गया, भगवान के गुणों की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है वरना इंटरेस्ट नहीं बैठेगा।
और उस पर डिस्कशंस करो, चिट चैट मत करो, प्रजल्प मत करो बेकार में। तो दो चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, तब आप निष्ठा से रुचि के लेवल तक पहुंच जाओगे, वरना नहीं पहुंच सकते, असंभव है वरना। या आप अपने इल्यूजन में रहोगे, मुझे मैं तो रुचि के स्तर पे हूँ। इल्यूजन क्या, लोग तो सोचते हैं मैं भाव के स्तर पे हूँ, रुचि तो बहुत छोटी स्टेज है। और रुचि से फिर आगे जाना आसक्ति तक, वो तो खाई नहीं है, एक ज़मीन है तो दूसरा आसमान वो तो उड़ान लेनी पड़ेगी। निष्ठा से रुचि जाने के तो जंप मारनी पड़ेगी, घोड़ा होना चाहिए चेतक, तिकड़क 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 चेतक जंप, क्या कहते हैं चेतक, कैसे कहेंगे, उछल नहीं ऐसे कहेंगे ना कुछ, तब मीरा भाई ने कहा था ना तिकड़क तिकड़क वो उछलेगा ची रुचि के स्टेज पे। और रुचि से आसक्ति जानी है तो उड़ना पड़ेगा, जंप वंप नहीं है वो, रुचि अगर ज़मीन है, आसक्ति आसमान है, वो मैं कभी बात करूँगा रुचि से आसक्ति तक, वो तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई। पर एटलीस्ट निष्ठा से रुचि तक तो पहुँच जाए, हाय हरे कृष्णा। ओके सो मैंने आपको निष्ठा से रुचि तक पहुँचा दिया है। श्रीला प्रभुपाद की जय। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।